देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में पंचशील कॉलोनी के निवासियों ने राजगढ़ रोड पर जाम लगा दिया, जिस पर ब्यावरा थाना प्रभारी नगर पालिका CMO इकरार अहमद को आना पड़ा। एलकार सिंह सोनिया ने CMO को बताया कि पंचशील कॉलोनी में सड़क और नाली की स्थिति बहुत ही खराब है, चारों ओर गंदगी का आलम है। CMO ने समस्या का जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये तो आज ही खराब होगा ना, ये वाला सारा आज हो जाएगा। कब बनवाओगे टेंडर? एक महीना लगेगा। एक महीना मैं आपको 1.5 महीने देता हूँ, कंप्लीट होना चाहिए। टेंडर बहुत पुराना था, छाया सी का था, कितना पुराना था। आपने छाया सी कहा, सुनो नहीं कहा, बात तो सुनो भैया, जब तक किसी चीज़ का बजट नहीं हो, बिना बजट के टेंडर लगा दिया पहले। दादा का टाइम था, बात तो सही होगा, इनकी जो समस्या थी सड़क की, उस समस्या को मैंने खुद मौके पर जाकर देखा है। उस कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गई थी, परंतु ठेकेदार के द्वारा कार्य नहीं किया गया समय पर। उसके ठेकेदार की निविदाओं को कैंसिल कर दिया गया है, उसकी जगह नए टेंडर लगा दिया गया है। नए टेंडर की पूरी प्रक्रिया करने में 1 माह का समय लगेगा। 1 माह समय जिसकी निविदाएं प्राप्त होंगी, उस ठेकेदार इस कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा। यहाँ तक सफाई का और नालियों का प्रश्न है, उस काम को आज ही से प्रारंभ करा रहे हैं। और जो भी इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, लाइट है और चीज़ें हैं, उनका भी समय हम करने वाले। जैसा कि देखने में आया बारिश का समय है, तो सड़क की स्थिति भी काफ़ी गंभीर है। देखिए उसको उसको आज ठीक करा रहे हैं, ताकि कचरा गाड़ी वहाँ आराम से निकल जाए। जब कचरा वाहन जाएगा, निश्चित रूप से जो गंदगी बाढ़ गई वो समस्या का बन सकेगा। Thank you.